बच्चों, स्वस्तिक शिक्षण संकुल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा चार में गणित विषय पढ़ने जा रहे हैं। हमारा चैप्टर है 3 और उसका भाग 4, यानी चैप्टर 3 का पार्ट 4। तो बच्चों देखो, यहाँ पे आपको प्रश्न नंबर 10 में दिया हुआ है कि कोष्टक पर से निम्न प्रश्नों के जवाब लिखिए। आपको यहाँ पे इस तरीके से कोष्टक बना के दिया हुआ है। देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। यहाँ पे पहले में क्रम, नाव का नाम, टिकट की कीमत, प्रति बच्चा यानी एक बच्चे का भाड़ा जो होता है वो, फिर समय, कितने समय के लिए। तो पहले क्रम पे क्या है, डबल डेकर। ये जो नाव कौन सी है, डबल डेकर नाव, इसका इसकी टिकट की कीमत कितनी है, 30 रुपये। एक बच्चे की 30 रुपये है। और ये कितने मिनट तक चलती है, 45 मिनट तक आपको घुमाती है। फिर दूसरा है पैडल, पैडल बोर्ड। क्या है पैडल बोर्ड, जिसको पैरों से चलाया जाता है पैडल मार के, ये इसका भाड़ा कितना है, 15 रुपये। और ये कितने समय तक आप चला सकते हैं, 30 मिनट तक। फिर उसके बाद में तीसरा क्रम पे है मोटर बोट। क्या है मोटर बोट, और इसमें टिकट की कीमत कितनी है आपकी, 25 रुपये। कितनी, 25 रुपये। और इसमें समय आपको कितना मिलेगा, 20 मिनट का समय मिलेगा। कितना, 20 मिनट का। फिर चौथी है चप्पू वाली नाव। क्या है चप्पू वाली नाव, जिस और इसमें आपकी कीमत कितनी है, आपका किराया कितना है, 15 रुपये। और इसमें आपको चलाने का कितना समय मिलेगा, 45 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नाव के नाम दिए गए हैं, एक कीमत कितनी है, मतलब एक चक्कर एक बच्चे का भाड़ा कितना है वो यहाँ पे दिया हुआ है, और कौन सी नाव या बोट को आप कितनी मिनट तक चला सकते हैं उसका यहाँ पर समय दिया हुआ है। ठीक है, फिर अब यहाँ पर पहला प्रश्न आया है, कौन सी नाव 1 घंटे में 2 चक्कर लगाती है। तो ये जो आपको तालिका दी हुई है इसमें से ही आपको ध्यान से देखना है और इन प्रश्नों के जवाब लिखने हैं, हल करना है। मतलब एक कौन सी नाव 1 घंटे में 2 चक्कर लगाती है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, 1 चक्कर में लगता समय 1 × 60, ठीक है, मिनट भागे 2, तो 60 भागे 2 मिनट। तो यहाँ पे देखो, हमने 60 को इस तरीके से 2 से भाग कर दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक नाव में लगता समय कितना है आपका, जानने के लिए समय 60 मिनट में से करोगे और उसको आपको 2 भागों में बांटना है, तो 60 को आप 2 से जब भाग कर दोगे तो कितना आपका हो जाएगा, 30, ठीक है, 30 मिनट। तो यहाँ पे 1 घंटे में 30 मिनट दिया हुआ है। अब पैडल बोट, ये जो पैडल बोट है इसका कितना है, 15 रुपये किराया है। कितना, 15 रुपये। और ये कितनी चलती है, 30 मिनट के लिए चलती है। आपको यहाँ पे 1 घंटे में 2 चक्कर यानी 1 चक्कर कितने का हुआ, 30 का हुआ, इतना आपको मालूम पड़ रहा है ना। 1 घंटे में 2 चक्कर लगाना यानी 1 चक्कर के आपके 30 मिनट हुए। तो इसलिए हमने 1 चक्कर में लगता समय 1 × 60 यानी 60 को, 1 को 60 से गुणा करके 60 और मिनट भागे 2, क्योंकि 1 घंटे में 2 चक्कर उसे लगाने हैं, तो हम 2 से भाग कर देंगे, तो 1 चक्कर हमारा कितने मिनट का पड़ा, 30 मिनट का। कितना, 30 मिनट का। तो यहाँ पे लिखेंगे जवाब में, पैडल बोट 1 घंटे में 2 चक्कर लगाती है। कितने चक्कर लगाती है, 2। 1 चक्कर वो 30 मिनट का लगाती है, तो 1 घंटे में कितने चक्कर लगाएगी, 2 चक्कर लगाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न हम यहाँ पे देखते हैं। ये देखो, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि किस नाव में सबसे कम रुपए में सबसे ज़्यादा समय मिलता है। इसमें आपको पूछा गया है प्रश्न नंबर 2 में कि कौन सी नाव है जिसमें सबसे कम रुपए में सबसे ज़्यादा, कौन सी नाव का भाड़ा सबसे कम है और ज़्यादा समय तक चलाने मिलती है। तो ये जो आपने तालिका यहाँ पे देखी है उसमें आपको देखो, यहाँ पे देख के मालूम पड़ेगा कि कौन सी नाव हमें कम पैसे में ज़्यादा समय चलाने मिलती है। तो सबसे कम पैसा किसका है, ये पैडल बोट का भी 15 रुपये, लेकिन इसका समय 30 मिनट, चप्पू वाली नाव का 15 रुपये और इसका समय 45 मिनट। तो हमारा क्या होगा, चप्पू वाली नाव 15 रुपये में ये हमको 45 मिनट चलाने देती है। तो जवाब में हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे जवाब में लिखेंगे चप्पू वाली नाव में सबसे ज़्यादा समय मिलता है,
चप्पू वाली नाव हमें 15 रुपये में सबसे ज़्यादा समय चलाने के लिए देती है। फिर उसके बाद में प्रश्न नंबर 3, बच्चों का एक समूह क्या है। बच्चों का एक समूह जो ग्रुप है वो डबल डेकर नाव में गया। कौन सी नाव में गया? डबल डेकर नाव में। उन्होंने कुल 400, कुल मिलाकर कितने, 450 रुपये यानी 450 रुपये दिए। कितने बच्चे डबल डेकर में गए। अब बच्चों का समूह किस में गया? डबल डेकर। अब आपने यहाँ पे डबल डेकर ये जो सूची देखी है इसमें डबल डेकर का भाव कितना है? 30 रुपये। कितना? 30 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे चलो हम करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कुल रुपए उन्होंने कितने दिए? 450 रुपये। कितने दिए बच्चों ने? 450 रुपये। तो एक बच्चे का भाड़ा हमने अभी कितना देखा? 30 रुपये। तो एक बच्चे का डबल डेकर बोर्ड का किराया कितना हुआ? 30 रुपये। इस प्रकार डबल डेकर बस में बैठे विद्यार्थियों की कुल संख्या, तो जब हम 30 को 440 से भाग कर देंगे तो हमें इनकी संख्या मालूम पड़ जाएगी कि उस नाव में कितने बच्चे बैठे हैं। तो चलो हम भाग करके देख लेते हैं 30 को 440 से। तो 30 एकम 30, 4 में से 4 गया शून्य, यहाँ पे 1 और 0। अब 30 का पढ़ना ऐसा पढ़ना है कि ये 140 से ज़्यादा जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे भाग करके देखो 3 6 3 4 12 3 5 15, तो 3 4 12 यानी 120, यहाँ पे 20। तो कितने बच्चे इसमें बैठ सकते हैं? 14 बच्चे। कितने? 14 बच्चे। 14 बच्चे बैठेंगे। फिर यहाँ पे आपको अगला प्रश्न देखो, जावेद ने दो बार नाव चलाई। ठीक है, ध्यान से सुनना। जावेद ने 2 बार नाव चलाई और उसने कुल 40 रुपये दिए। कितने रुपये दिए? 40 रुपये। और 50 मिनट तक नाव चलाई, तो कौन सी 2 नाव ली होंगी? तो उसने कितने रुपए दिए हैं? 40 रुपये। 40 रुपये में उसने कौन सी नाव ली होगी? जा तो हम यहाँ पे देखेंगे, ये देखो यहाँ तारीख सूची ये देख लेंगे तारीख़ा। पैडल बोर्ड का कितना है? 15 रुपये। और मोटर बोर्ड का 25, तो उसने कितने रुपए दिए? 40 रुपये। तो ये देखो 15 और 25 कितने हो गए? 40 हो गए ना। तो उसने कौन कौन सी बोर्ड चलाई? एक तो पैडल बोर्ड और एक मोटर बोर्ड। तो चलो हम इसके आधार पे यहाँ पे प्रश्न का जवाब लिखते हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि जावेद ने 2 बार नाव चलाई, उसने कुल 40 रुपये दिए और 50 मिनट नाव चलाई, उसने कौन सी 2 नाव ली होगी? तो हम यहाँ पे लिखेंगे जावेद ने पैडल बोट और मोटर बोट पसंद की। कौन कौन सी बोट पसंद की? हमने अभी सूची देखी थी, पैडल बोट और मोटर बोट। क्योंकि पैडल बोट और मोटर बोट का कुल टिकट भाव कितना है? पैडल बोट कितने की थी? 15 रुपये भाड़ा, और उसकी मोटर बोट का 25 रुपये। तो कितना हो गया ये यहाँ पे कितना? ठीक है, तो यहाँ पे 15 और 25 को जोड़ देंगे, 5 10 2 1 3 और 1 4, 40 रुपये। कितना? 40 रुपये। तो ये 2 नाव जो बोट हैं उनका भाव कितना हमने निकाला? 40 रुपये। अब यहाँ पे हम लिखेंगे पैडल बोट और मोटर बोट चलाने का समय। अब हम इसमें समय भी देख लेंगे, कौन सी 2 नाव चलाई होगी। तो हमें मालूम पड़ गया कि पैडल बोट और मोटर बोट, और कितने 50 मिनट तक चलाई। तो पैडल बोट का समय कितना था? 30 मिनट का 15 रुपये में, और मोटर बोट का समय कितना था? 25 रुपये में 20 मिनट। तो इस 30 मिनट और 20 मिनट को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 50 मिनट। कितना? 50 मिनट। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पे आपको देखो सही उत्तर पर सही का निशान करना है। यहाँ पे बताए गए 4 पुराने गुफा चित्रों में से सबसे पुराना कौन सा है? यहाँ पे आपको वर्ष लिखे हुए हैं, तो कौन सा सबसे पुराना होगा? 4200, 1000, 8500 या
13,000, तो कौन सा होगा, ओ सॉरी 1300, तो 8500, तो यहाँ पे कितना आएगा क। फिर एक बस में 48 बच्चे जा सकते हैं, तो तीन बसों में लगभग कितने बच्चे जा सकते हैं, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, 48 भागे 3, तो यहाँ पे हम रफ करके देख लेते हैं, 48 भागे 3, 3 एकम 3, 3 6 18, तो कितने हुए हमारे 3 6 सॉरी बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखना दिया हुआ है, एक बस में 48 बच्चे जा सकते हैं, तो तीन बसों में कितने, तो हम 48 को क्या करेंगे, 48 × 3, इसको हम गुणा कर देंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि तीन बसों में कितने बच्चे जाएंगे, 3 8 24 का 4, 8 से लगा 2, 3 6 3 3 3 4 12, 12 13 14, तो कितने हो गए हमारे 144, कितना 144, तो ये जो क है ये इसका आंसर है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर आगे हम देखेंगे बच्चों प्रश्न, ये देखो यहाँ पे संख्याओं का कौन सा जोड़, यहाँ पे आपको संख्याओं का जोड़ करना है, किस तरीके से करना है देखो, इकाई से इकाई की संख्या जोड़नी है, दहाई से दहाई की और सैकड़े से सैकड़े की, तो यहाँ पे हम जोड़ करके देख लेते हैं, 2 और 1 3 हो गए और 5 4 9 और 2 और 1 3, तो 393 यहाँ हो गया इसका जवाब, फिर इनको जोड़ लो, 1 और 2 3, 2 और 9 11, 3 1 4 1 5, ठीक है, फिर क, 9 9 18 9 9 18 और 1 19, 2 और 1 3, 398, और इसका 9 और 1 और 1 2, और 9 9 और 4, तो कितना हो गया 492, तो कौन सा ज़्यादा हुआ, ब, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ब, ठीक है, इस तरीके से ब लिख देंगे। फिर किस समय पर क्या हुआ था, जोड़ियाँ मिलाई, यहाँ पे क्या करना है हमें, जोड़ियाँ मिलानी है, तो नर्मदा नदी को पार करना, तो नर्मदा नदी को पार करना यहाँ पे क आएगा, सुबह 9:30 बजे, कितना 9:30 बजे, तो हम यहाँ पे जवाब लिख देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे सुबह 9:10 बजे, 9:10 बजे। फिर दूसरा है भीम बेटका के चित्रों को देखना, क्या है, भीम बेटका के चित्रों को देखना, तो हम इसका जवाब क्या लिखेंगे, दिन में 11:30 बजे, दूसरे में क्या लिखेंगे, दिन 11:30 बजे। फिर तीसरा है, तीसरा आपका दिया है पेट्रोल पंप, कितना पेट्रोल पंप, तो तीसरे में आप क्या लिखोगे, सुबह 9:30 बजे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ये देखो इस तरीके से, सुबह 9:30 बजे, ठीक है। फिर चौथा आपका क्या है, ताल पर बोटिंग, कितना ताल पर बोटिंग, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, शाम 3 बजे, क्या लिखेंगे, शाम 3 बजे। फिर पांचवा, दिन का भोजन, क्या
दिन का भोजन तो दोपहर 12:30 बजे, तो यहाँ लिखेंगे दोपहर 12:30 बजे, ठीक है। फिर इसके बाद छठा, होशंगाबाद वापसी, कितना, होशंगाबाद वापसी, तो यहाँ पे लिखेंगे हम शाम कितने बजे, 6 बजे, कितने बजे, शाम 6 बजे, ठीक है। तो बच्चों देखा आपने, तो आज के इस वीडियो पे बच्चों मैंने यहाँ पे आपको जो कुछ भी कराया, आपको ये अपनी स्वाध्याय पोथी में इस तरीके से करना है। तो आज के वीडियो के लिए इतने, बच्चों जय गायत्री।